तो आज हम ये पालक सब्जी बनाएंगे। तो ये की मुट्ठा लेके आया हूँ मार्केट से। ये बहुत महंगा था, मतलब 40 रुपये का मुट्ठा दिया ये। चलो ठीक है, आज इसका कटिंग करके रख देंगे और मैडम बनाएगा। तो ठीक, कटिंग करने के लिए सेम है। अभी इसको इस प्रकार पकड़ लेंगे, पकड़ के इस जगह पे कटिंग कर देंगे तो डस्ट वगैरह, हमारा ये जड़ वगैरह सब हट जाएगा। उसके बाद घास वगैरह निकाल के फिर धो के कटना शुरू कर देंगे। तो ये रहा मैंने कटने के बाद जो डस्ट है, मतलब जो जड़ वगैरह है, बिल्कुल क्लियर कट हट गया। तो अभी अब इसमें से जो घास वगैरह है उसको निकालेंगे, फिर अपना बकेट में धो लेंगे। ये बिल्कुल अभी हमने क्लीन कर दिया, क्लीन मतलब जो घास वगैरह है उसको हटा दिया, और जो डस्ट इधर पड़ा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो सब ये पड़ा है, इसको अभी धो के फिर पीस पीस काट के फिर मैडम के लिए रख देंगे, और मैडम आके बढ़िया से बनाएगा। ऐसे नहीं है, कल मैंने बनाया था वो भी ठीक है, अच्छा लगा। और ये थोड़ा अब मुझे टाइम कम होने के कारण आज मैडम को दे देंगे, मैडम बनाएगा। तो इसमें भरपूर आयरन है और ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाता है, तो हमारी शरीर में तो कभी कभी ये आरा वगैरह सब्जी वगैरह जाना चाहिए, तो कभी कभी नहीं रेगुलर जाना चाहिए, तो उससे हमारी शरीर की शुद्धिकरण ठीक ठाक होता रहता है। तो ये मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह खाना चाहिए बस, फिर आपकी जैसे इच्छा है इस तरह कीजिएगा। तो इसको फिर थोड़ा सा मैंने निकल के जूस भी बनाऊंगा, इसमें जूस बना के मैं और मैडम के लिए थोड़ा रखेंगे, तो पीना शुरू कर दूंगा मैं उसके बाद। ठीक है, मैं इसको धो रहा हूँ, अभी धो के फिर क्लीन करूँगा इसको। ये देखिए, मैंने एक ही बार अभी साफ किया, कितना ये गंदा जैसा ये निकल रहा है। तो इसमें बकेट में साफ करने से हमारा ठीक रहता है, जैसे बाकी प्लेट वगैरह में साफ करेंगे या कुछ दूसरे में साफ करेंगे तो इतना नहीं निकल पाता है, तो शरीर में रह जाता है, फिर मतलब पत्ता में रह जाता है, फिर शरीर में जाता है, तो फिर अलग बीमारी वगैरह होने लगता है, तो इसलिए इसमें बकेट में ठीक है। तो इस तरह अभी बढ़िया से साफ कर दिया हूँ, तो इसको अभी एक हाथ में पकड़ के कटना शुरू करूँगा। तो अभी मैंने इस तरह पूरा मेरी एक हाथ में इसको पकड़ लिया, तो इस तरह इसको कटना शुरू कर दिया हूँ। तो मैंने इसको पालक को इस तरह काट दिया, तो अभी इसका थोड़ा सा लेके जूस बनाऊंगा। ये जूस बनाने के लिए मैंने जार ले लिया और थोड़ा सा इसमें पत्ता डाल रहा हूँ, ये डाल दी। तो इसका थोड़ा सा अभी गरम मिर्ची डाल के, बस सिर्फ गरम मिर्ची मिलाएंगे, वो डाल के थोड़ा पानी मिला के इसको हम जार में जूस बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ये सौंफ हो गया, जीरा को मिक्स कर रहा हूँ ताकि हमारा डाइजेस्ट पावर बना रहे, तो इसमें डाल देता हूँ। तो इसमें मिला दिया हूँ, अब हल्का सा इसमें पानी मिला दे रहा हूँ, बस हो गया। तो मिक्सिंग कर देता हूँ इसको। तो हमारी जार में बिल्कुल ये बढ़िया से ग्राइंड हो गया, तो इसको फिल्टर करेंगे। अभी मेरा जूस रेडी है। देखो, मैं पहले भी बोला जो भी चीज़ है थोड़ा सा लेना है, जैसे मैंने अभी पालक पत्ता थोड़ा सा लिया था और ये मुझे इतना जूस मिला, तो ठीक है। इसको फिर हम थोड़ा पानी भरेंगे इस गिलास भर का, और इसको 2 गिलास बनाएंगे, 2 गिलास बना के और मैं हो गया और मेरी मैडम हो गया, दोनों पियेंगे। क्योंकि कुछ भी हो, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होने से वो शरीर के लिए नुकसानदायक पहुंचाता है, जो ज़रूरी है उससे कम रखने से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल लाभदायक रहेगा, बिल्कुल लाभदायक रहेगा। लेकिन ज़्यादा होने से मतलब बिल्कुल अच्छा चीज़ भी शरीर के लिए नुकसान ही पहुँचाता है, तो इसलिए मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। तो ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भर के अब फुल ग्लास बना दिया। अब इस तरह का 2 गिलास बनाऊंगा, और इसमें आयरन से और ब्लड का शुद्धिकरण होने लगता है,
तो ठीक है, मैं कभी कभी ऐसे भी पीने लगता हूँ। तो आप लोग पी भी सकता है, नहीं पी भी सकता है, आप लोग की इच्छा है। जैसे आपकी मन बताता है, जैसे आपकी माइंड बताता है, उसके हिसाब से काम करना है। किसी का वीडियो देख के और उसको आजमाना नहीं है। तो आपकी कैसा इच्छा है उस प्रकार आपको चलना है। तो ठीक है, हम लोग फिट रहने के लिए ये भी एक साधना हमारे लिए। ओके, मेरा ये कंप्लीट हो गया जूस।